अपना तो ये बिल्कुल लाजमी संघर्ष रहेगा हमारा जारी। अपना मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन को मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा एक प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन माननीय सीएम साहब के द्वारा हुई थी भोपाल में। तो ये इसका टैगलाइन है सम्मान। बेसिकली अभी आज के दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाओं, बच्चों, बच्चियों के खिलाफ किस तरीके के अपराध हो रहे हैं एंड दिन दहाड़े होते हैं, सबके सामने होते हैं, कई कई बार पब्लिक बिकम्स अ म्यूट स्पेक्टेटर। तो इस अभियान के तहत हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि अगर पहले तो एनी काइंड ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज नॉट एक्सेप्टेबल, और अगर कोई इसको कहीं पे भी देखते हैं, कहीं पे होते हुए देखते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं, तो दे हैव टू रेज देयर वॉइस, मतलब दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से दैट ये अपराध है। हमारी जो मास्कट है वो गुड्डी है, तो गुड्डी के तहत हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वो जागरूक हो, वो सेंसिटाइज रहे, एंड इसके साथ साथ में क्योंकि हमारा रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है, ट्रैफिक सुरक्षा सिर्फ, तो उनके साथ मिलके हम एक रैली आज शुरू कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन हम लोगों को दो, उनको थोड़ा इस पहल का थोड़ा वो करें। मैडम, आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे, महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं वो ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि कभी कभी कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं रहती है, तो कई सारे जगहों में जैसे जो चीज़ एकदम अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो होते आ रहा है, नादानी है, कर लेते हैं कभी, तो वो नॉर्म नहीं है, दैट इज़ नॉट अ नॉर्म। जो जिस तरीके के अ क्राइम इज़ अ क्राइम, और स्पेशली रिलेटिंग टू छेड़खानी, जो अभी बहुत सारे कल्चर्स में उसको नॉर्मलाइज करते हैं ये बोल के कि ये तो बहुत पहले से होती है, होते हैं बच्चे द्वारा मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो ये कोई मिस्टेक को राइट टाइम पे अप्रिहेंड करो तो वो आगे जाके क्राइम नहीं बनती है, राइट? तो ये एक जनता को बेसिकली सेंसिटाइज करने का एक मौका है, एंड हम लोग 15 बटालियन के सभी स्टाफ मिलके हम ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी मतलब छेड़खानी तो छेड़खानी हो गई, उसके बाद में जो मेन अपराध है जो महिलाओं के प्रति होते आ रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, पर हम चाहते हैं कि उसको हम मतलब जड़ से निकाल दें, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू सेंसिटाइजेशन। जब हम लोगों को बताएंगे दैट अ क्राइम इज अ क्राइम एंड इट विल नॉट बी वो मतलब ऐसे हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी चीज़ के अगर आप सोसाइटी को भी लेके चलेंगे तो वो जो एक्सट्रीम रहता है ना, वो हमेशा रहता है, हर सोसाइटी में रहते हैं। तो ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर भी ऐसे एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल सोशियोपैथ्स जिसको हम बोलते हैं, दैट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी अक्रॉस कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे लोगों से तो डील करना दैट इज अनदर मतलब वो तो अनदर चैलेंज हो गया। बट जो हम अभी हम फोकस कर रहे हैं कि जो जो बातें जिसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, जो आप समझ रहे हो ना कि हम जैसे हम कहीं बाहर गए, एक ग्रुप के लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा है ना, तो पब्लिक देख रही है, लेकिन पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, क्यों? बिकॉज इट्स नॉर्मल, होता जा रहा है। तो वी आर ऑफकोर्स जो मेन हीनस क्राइम्स रहता है दैट इज एब्सोल्युटली, वो तो है, उसके लिए तो हमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपराध है, वो तो अपराध है ही, और उसके लिए टैकल करना वो तो पुलिस का दैट इज वन ऑफ द मेन मतलब उनका हमारा वो मेन वो है, मतलब हमारा ड्यूटी है टू सॉर्ट ऑफ स्टॉप दैट। बट राइट नाउ दिस अभियान, ये अभियान जो है हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि डू नॉट नॉर्मलाइज मतलब इस तरीके की जो बातें होती उनको भी नॉर्मलाइज नहीं कर रहा। दैट्स वाई हमने काफ़ी सारे पोस्टर्स के माध्यम से, काफ़ी सारे टैगलाइंस के माध्यम से, मैसेजेस सेलिब्रिटीज़ के मैसेजेस के माध्यम से, एंड हम इसको जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं ताकि इसको आप अनदेखा ना देखा ना करें।